कोरोना कहर के बीच सिकंदराबाद में आखिरकार प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ ऑड इवन की तर्ज पर बाजार खोलने की अनुमति दी है। सत्ताईस दिन बाद यानी आज सिकंदराबाद में भी दुकानें खोल दी गईं। इस दौरान टाइम 24 न्यूज की टीम ने एक महीने से इस दिन का इंतजार कर रहे सिकंदराबाद के व्यापारियों से बातचीत की। बाजार हमारा पहले 22 मार्च से जब जनता कर्फ्यू लगा था तब से ही बंद था। बीच में 3 महीने बाद 28 मई को हमारा एक दिन के लिए दुकान खुली थी। 29 मई से फिर पूरा बाजार सील हो गया था और आज 1 तारीख को बाजार खुला है। थोड़ी मन को शांति मिली है। इसमें हमारा व्यापार मंडल ने बहुत सहयोग किया दुकान खुलवाने में, शासन प्रशासन ने बहुत मदद की और उन सबका धन्यवाद। हाँ, नियम इसमें हमारा मास्क का है, मास्क लगा के रखना है हमें, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। दुकान की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक की है, जिसको हम पूरा मेंटेन करेंगे और 2 गज की दूरी वो भी जरूरी है। नवीन नंबरदार, इसमें गाइडलाइंस जितनी भी सरकार की हैं, मुंह पर मास्क लगाना, सैनिटाइजर वगैरह ये सब चीज़, और 2 गज की दूरी बना के रखना। ओडीवन में ये खुला है बाज़ार, सभी जगह के बाज़ार खुल रहे हैं, ओडीवन में खुला है। और जैसा भी और गाइडलाइंस आएंगी उनके भी फॉलो किया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा अधिकारियों का, DM, SDM सबका सहयोग रहा है, बाज़ार वालों का सहयोग रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों को, इनमें सब चीज़ों का अपने तरीके से अपना, जिस तरीके से भी और जैसे भी कहेंगे वो अधिकारी, उसी तरीके से मार्केट चलेगा। आज हमने दुकान खोली है, यानी कि 4 तारीख को हमारी दुकान बंद हो गई थी। आज 1 तारीख है, यानी कि 25-26 दिन के बाद दुकान खोली है। बस इसमें ये है, क्या है, हम ग्राहक को एक एक दो दो जनों को सौदा देते रहेंगे, जिसके मुंह पर मास्क लगा हुआ उसे देंगे और सैनिटाइजर कराते रहेंगे। और अपना ऐसे ग्राहक भी नहीं है, ग्राहक भी नहीं आ रहा, नहीं ठीक है। हम शासन प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत सावधानी से करा है, और व्यापार मंडल ने भी देखो जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और खुले 25-30 दिन में दुकानें खुली हैं और बाज़ार बिल्कुल ढीले पड़े हैं, काम है नहीं। और ग्राहक को और सबसे कह रखे मास्क लगा करो, सैनिटाइज करके रहो, हम भी कर रहे हैं सैनिटाइज, सरकार का पूरा सहयोग है, अदर व्यापार मंडल पूरा सहयोग कर रहा है। अट्ठाईस दिन में नियम बनाए गए हैं, मास्क लगा कर रहना है और ग्लव्स पहनो, सैनिटाइजर रखो, 2 गज की दूरी रखना है। और ग्राहक को जिसको भी सामान दिया जाए मास्क लगा होना चाहिए और मतलब सैनिटाइजर करा जाए, उसे मास्क लगा हुआ हो उससे कहा जाए ना लगा रखो हो तो जब दे सामान। सहयोग अच्छा है, उन्होंने पूरी पाबंदी लगाई रखी है, व्यापार मंडल का भी साथ है, उन्होंने भी सहयोग करा पूरा। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से बताए गए सभी नियमों का पालन करेंगे, जबकि किसी भी ग्राहक को डील करने के दौरान सामाजिक दूरी का खास तौर पर ख्याल रखेंगे। आपको बता दें कि बुलंदशहर में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं, जबकि जनपद के अब तक कोरोना के कुल 607 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 436 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 21 लोग ऐसे थे जिनकी मौत हो चुकी है। अगर एक्टिव मामलों की बात की जाए तो जनपद में अब भी 151 लोग उपचाराधीन हैं। हमारी खबर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करें।
लाइक करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।